बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज एंड टैक्सेशन स्पेशलिटी की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से आज मेरा टेस्ट है, 12वां टेस्ट है। आपको पता है जो भी हम लेक्चर देते हैं उससे अगले दिन उसका टेस्ट लेते हैं, तो कल हमारे 12 लेक्चर्स हो गए थे। आज इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर बाद हमारा 13वां लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। तो आपको पता है सबसे पहले हमने जियोग्राफी को मुकम्मल किया था, अब हम एवरीडे साइंस को मुकम्मल कर रहे हैं। तो एवरीडे साइंस के वाले से कल हमारा ह्यूमन बॉडी के वाले से हमने लेक्चर डिलीवर किया था, उसके वाले से जितने भी हमारे पास्ट पेपर क्वेश्चन बने हुए हैं वो सारे के सारे आज हम डिस्कस करेंगे। तो यूँ हमारा जो है ना, एक तो हमारा टेस्ट भी साथ हो जाएगा और टेस्ट के साथ साथ हमारे पास्ट पेपर्स भी साथ साथ क्लियर होते जाते हैं, ठीक है जी। तो डेली का जो हमारा टेस्ट होता है वो सारे के सारे हम पास्ट पेपर क्वेश्चन में से ही लेते हैं, तो यूँ आपका लेक्चर भी तैयार हो जाता है, साथ साथ आपके पास्ट पेपर्स भी तैयार होते जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, द नॉर्मल रेंज ऑफ ह्यूमन हेयरिंग इज बिटवीन। जो ह्यूमन हेयरिंग है, जो इंसान की कुफ्ते समात है, उसकी रेंज क्या है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ये इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। आपने सारे अपने आंसर इसके साथ टैली कर लेने। मैंने ये टेस्ट आपके ग्रुप में पहले शेयर कर दिया था, तकरीबन एक घंटा पहले शेयर कर दिया था, तो मुझे उम्मीद है कि आपने टेस्ट सॉल्व कर लिया होगा। तो आपने इसके साथ अपने आंसर्स को टैली करना है और जितने आपके मार्क्स बनते हैं वो आपने यहीं पे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है जी। अगर यहाँ पे नहीं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी बोन्स डज एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी टिपिकली हैव। ठीक है, जो एक जवान आदमी है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों की तादाद कितनी होती है, वो 206 होती है। 206 बी वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट था। नेक्स्ट है जी, एट बर्थ अ बेबी हैज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी बोन्स। जो आपका बेबी जो पैदा होता है, पहले दिन का बच्चा, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, वो 300 होती हैं। 300 डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था। 270 का भी कभी कभी ऑप्शन देता है, ये भी करेक्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर यह 300 का ही एक्यूरेट माना जाता है, ठीक है जी। कुछ वेबसाइट्स 270 का ऑप्शन भी देती हैं, तो PPSC में 270 का भी पूछा जाता है और 300 का भी पूछा जाता है। 270 और 300 इकट्ठा कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, दोनों में से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट परसेंटेज ऑफ एन अडल्ट टोटल बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर। जो आपका एक जवान आदमी है उसका जो टोटल बॉडी वेट है उसमें पानी कितना होता है, 50 से 60%। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट है जी, विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी या बोन कौन सी होती है, वो आपके पास जो आपके पास है वो फीमर, फीमर जो आपकी थाई की बोन होती है, थाई की बोन होती है, थाई की, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, आपको पता है वो स्टेप्स होती हैं, स्टेप्स जो आपकी जो कान की हड्डियाँ होती हैं, कान की हड्डियाँ, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आपके पास, वट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी बाय सरफेस एरिया एंड वेट। जो आपके पास है ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा जो आपके पास ऑर्गन है वो कौन सा है, वो आपके पास है स्किन, स्किन, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिसम का सबसे छोटा ऑर्गन कौन सा है, वो आपके पास है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी, द एवरेज अडल्ट ह्यूमन हार्ट वेट अबाउट्स। जो आपके पास एवरेज जो ह्यूमन हार्ट होता है, जो दिल होता है, दिल का आपके पास वेट कितना होता है, वो 250 से आपके पास 300 ग्राम के दरमियान होता है, ठीक है जी। वैसे ये 300 ग्राम अगर बोले फिर भी ठीक है, अगर 250 से 350 ग्राम के दरमियान बोले फिर भी आपका ठीक होता है, ठीक है जी। वैसे एग्जैक्ट अगर पूछे तो आपने 300 ग्राम बताना है। नेक्स्ट है जी आपके पास, नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ फॉर अडल्ट इज अराउंड। ब्लड प्रेशर की रीडिंग आपको पता है 120/80 आपके पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, हाउ मैनी चैम्बर्स डज ह्यूमन हार्ट हैव। एक इंसानी दिल के चैम्बर्स मीन के दिल के खाने कितने होते हैं, वो आपको मैंने बताया था 4 होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स 2 एट्रियम, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है, वट इज़ द एवरेज टोटल ब्लड वॉल्यूम इन द अडल्ट बॉडी। अडल्ट बॉडी में टोटल आपके पास जो ना ब्लड कितना होता है, वो अगर वो जस्ट आपके पास एग्जैक्ट पूछे तो आपके पास 6 लीटर होता है। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन दिए गए थे जिसमें 6 से 8 लीटर, आपने इसको करेक्ट करना था, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी जो जिंदगी होती है, लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन का होता है, 120 दिन का। नेक्स्ट आपके पास है, विच ब्लड टाइप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर आप मैंने कल आपको बताया था, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव होता है जो यूनिवर्सल डोनर, मीन के हर किसी को ये दे सकते हैं अपना खून, ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच ब्लड टाइप इज नोन एज यूनिवर्सल रिसिपियंट। जो यूनिवर्सल रिसिपियंट है, मीन का जो यूनिवर्सल जो किसी का भी खून ले सकता है, वो होता है AB पॉजिटिव, ठीक है जी, AB। नेक्स्ट आपके पास नॉर्मल pH लेवल ऑफ ब्लड। ब्लड का pH लेवल आपको पता है 7.4 होता है, 7.4। नेक्स्ट आपके पास है जी, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी आर कॉल्ड। जो आपके पास सबसे बारीक नालियां हैं खून की, सबसे जो छोटी नालियां हैं, आपके पास है कैपिलरीज। कैपिलरीज के ये कप से इसको याद कर सकते हैं, जग वगैरह सबसे बड़े होते हैं ना, पाइप वगैरह बड़े होते हैं तो कप छोटे होते हैं, ठीक है जी। जो कैपिलरीज, ठीक है जी, आर्टरीज वेन्स बड़ी होती हैं और जब कैपिलरीज छोटी होती हैं। नेक्स्ट है जी, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू सिमिलर फॉर्म इज कॉल्ड।
जो आपने कॉम्प्लेक्स फूड को सिमिलर में चेंज करना है उसको हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन नेक्स्ट है जी, द च्यूड फूड इज पुश टू द फूड ट्यूब। जो फूड ट्यूब है उसको हम क्या कहते हैं, आपको पता है वो एसोफेगस होती है, एसोफेगस, एसोफेगस होती है आपकी फूड ट्यूब होती है। नेक्स्ट है जी, इन द स्टमिक फूड स्पेंड्स अबाउट हाउ मैनी आवर्स फॉर डाइजेशन। निज़ामे निज़ाम के लिए आपकी जो खुराक है मैदा में कितनी देर रहती है, वो 6 आवर तक, 6 आवर तक रहती है। ठीक है जी, नेक्स्ट, सॉरी 4 आवर, 4 आवर, 4 आवर यह करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी, 4 आवर्स, 4 आवर्स तक रहती है। नेक्स्ट है जी, द फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन, जो आपके पास जो फाइनल डाइजेशन होती है, जो फाइनल आपकी खुराक हजम होने होती है, वो आपके होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन मीन के छोटी आंत में। द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो आपके पास जो बड़ी आंत है उसका जो मेन फंक्शन क्या होता है जी, अब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर, अब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट है जी, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड, जो ब्रीथिंग जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, द विंड पाइप इज आल्सो कॉल्ड, विंड पाइप मीन के जो आपकी सांस की नाली है उसको हम कहते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास है जी, टीनी एयर सैक्स इन द लंग्स वेयर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज आर कॉल्ड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें आपस में एक्सचेंज कहाँ पे होती हैं, वो एल्वोलाई में होती हैं, एल्वोलाई लंग्स में, जो आपके पास ऐसे फिंगर टाइप होती है ना, तो उसको हम कहते हैं जी एल्वोलाई, एल्वोलाई। नेक्स्ट आपके पास है द डोम शेप्ड मसल दैट हेल्प द इन ब्रीथिंग इज कॉल्ड, जो डोम शेप शक्ल होती है जो सांस लेने में मदद देती है उसको हम कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं डायाफ्राम, डायाफ्राम, डायाफ्राम। नेक्स्ट है जी आपके पास, द हार्ट इज अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ, जो आपका दिल है उसका साइज कितना होता है, वो एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है, फिस्ट के बराबर, फिस्ट के बराबर। ये 30 नंबर का टेस्ट था, मुझे उम्मीद है कि आपने सारा सॉल्व कर लिया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।